हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर। टुडे वी विल रीड लेसन 5th इन द पार्क। नाउ वी विल रीड दिस चैप्टर एंड एक्सप्लेन इन हिंदी। मिस्टर रमेश चंद्रा एंड मिसेज रेनू चंद्रा विजिट अ पार्क। मिस्टर रमेश चंद्र एंड मिसेज रेनू चंद्र एक पार्क में घूमने गए। दे वेंट देयर विद देयर सन एंड डॉटर। वे अपने बेटे और बेटी के साथ वहाँ गए। सम गर्ल्स एंड बॉयज़ वर प्लेइंग इनसाइड द पार्क। कुछ लड़कियाँ और लड़के पार्क के अंदर खेल रहे थे। देयर वॉज ऑल्सो अ फ्रूट शॉप आउटसाइड द पार्क। पार्क के बाहर एक फलों की दुकान भी थी। अ मैन वॉज सेलिंग फ्रूट्स। एक आदमी फलों को बेच रहा था। अ वुमेन वाज बाइंग मैंगोज। और एक औरत आम को खरीद रही थी। सम ओल्ड पीपल वर सिटिंग ऑन द बेंच। कुछ वृद्ध व्यक्ति बेंच पर बैठे हुए थे। द यंग वंस वर सिटिंग नियर द स्विमिंग पूल। यंग वंस स्विमिंग पूल के पास खड़े हुए थे। अ लिटिल बॉय वॉज प्लेइंग विथ हिज बलून्स। एक छोटा लड़का अपने बलून के साथ खेल रहा था। मोहन टुक अवे हिज बलून। मोहन उसका बलून ले गया एंड हंसा। द लिटिल वंस क्राइड। वह छोटा बच्चा चिल्लाने लगा। सोनू एंड मोनू वर प्लेइंग ऑन द सी शोर। सोनू और मोनू सी शॉ पर खेल रहे थे। दे वर गोइंग अप एंड डाउन। वे ऊपर और नीचे जा रहे थे। सम बॉयज थ्रू पेपर प्लेट्स इन द पार्क। कुछ लड़के पार्क में पेपर प्लेट्स कागज की प्लेटों को फेंक गए। सो इट लुक्ड वेरी डर्टी। इसलिए वह बहुत गंदा दिखा। मिस्टर चंद्रा ने मोहन से पूछा टू कलेक्ट दोज प्लेट्स। उन प्लेट्स को इकट्ठा करने के लिए। एंड पुट देम इनटू द डस्टबिन। और उनको डस्टबिन में डालने के लिए। ही सेड उसने कहा दैट कि इट वाज देयर ड्यूटी टू कीप द पार्क क्लीन। यह उनकी ड्यूटी थी, उनका कर्तव्य था कि वह पार्क को क्लीन रखें या पार्क को साफ रखने के लिए यह उनका कर्तव्य था। नाउ वी सॉल्व दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द अपोजिट वर्ड्स। हियर वी मैच द अपोजिट वर्ड्स। ओके चिल्ड्रन, ओके। फर्स्ट इज बॉय। बॉय का अपोजिट गर्ल। सेकेंड इज आउटसाइड। आउटसाइड का अपोजिट इनसाइड। थर्ड इज सन। सन का अपोजिट डॉटर। फोर्थ इज क्लीन। क्लीन का अपोजिट डर्टी। फिफ्थ इज अप। अप का अपोजिट डाउन। वुमेन। वुमेन का अपोजिट मैन। तो बच्चों, आपको भी अपनी नोटबुक में ये अपोजिट वर्ड्स लिखना है। ओके, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। एड यू एंड टू फॉर्म द अपोजिट्स। यू एंड अन लगाकर हमें अपोजिट बनाना है। हैप्पी। हैप्पी का अपोजिट अनहैप्पी। लॉक। लॉक का अपोजिट अनलॉक। टाई। टाई का अपोजिट अनटाई। डू। डू का अपोजिट अनडू। एबल। एबल का अपोजिट अनएबल। फिट। फिट का अपोजिट अनफिट। बच्चों, ये अपोजिट्स भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, नाउ वी सॉल्व दिस एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देना है।
फर्स्ट इज हु वेंट टू द पार्क, पार्क कौन गए थे, कौन गया था पार्क, डू यू नो? मिस्टर रमेश एंड मिसिज रेनुचंद वेंट टू अ पार्क। मिस्टर रमेश और मिसिज रेनुचंद पार्क गए थे। हु वेंट विद देम, उनके साथ कौन गया था? आंसर इज दे वेंट टू पार्क विद देयर सन एंड डॉटर, वे अपने बेटा और बेटी, पुत्र या पुत्री, पुत्र और पुत्री के साथ पार्क गए थे। थर्ड इज वेयर वॉज द फ्रूट शॉप, फ्रूट शॉप कहाँ थी? आंसर इज द फ्रूट शॉप वॉज आउटसाइड द पार्क, फ्रूट शॉप पार्क के बाहर थी। फोर्थ इज वेयर वर द बॉयज एंड गर्ल्स प्लेइंग, बॉयज एंड गर्ल्स कहाँ खेल रहे थे? आंसर इज द गर्ल्स एंड बॉयज वर प्लेइंग इनसाइड द पार्क, गर्ल्स एंड बॉयज पार्क के अंदर खेल रहे थे। फिफ्थ इज हु वर सिटिंग ऑन द बेंच, बेंच पर कौन बैठे थे? तो बेंच पर कौन बैठे थे बच्चों, डू यू नो? सम ओल्ड मैन पीपल वर सिटिंग ऑन द बेंच, कुछ वृद्ध व्यक्ति बेंच पर बैठे हुए थे। सिक्स्थ इज हाउ शुड वी कीप द पार्क, हमें पार्क कैसा रखना चाहिए? वी शुड कीप द पार्क क्लीन, हमें पार्क क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। नाउ यू राइट दीज आंसर इन योर नोटबुक, ओके? थर्ड एक्सरसाइज इज लुक एट द पिक्चर्स, आपको पिक्चर्स देखनी है एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, और बाकी को पूरा करना है। अबाउट व्हाट द चिल्ड्रन आर डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं? फर्स्ट अलका इज ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट पिक्चर में अलका पानी पी रही है। सेकंड इज अनु इज ड्राइंग अ फिश, अनु क्या कर रही है, ड्राइंग बना रही है। थर्ड इज अनिल इज, अनिल क्या कर रहा है, रीडिंग, अनिल लिख रहा है, सॉरी पढ़ रहा है। फोर्थ इज टीना इज, टीना क्या कर रही है, सिंगिंग, टीना गा रही है। और समीर इज फिफ्थ पिक्चर में, समीर क्या कर रहा है, फ्लाइंग एन एरोप्लेन, समीर एक एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ा रहा है, ओके? नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइंस वर्ड्स, अपोजिट्स के साथ फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, जिसमें जो भी वर्ड अंडरलाइन है उसका अपोजिट लिखना है। पहला है वंस दे आर लिव्ड अ मैन एंड हिज सन, फिर उस मैन का अपोजिट क्या दिया, वो अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, मैन एंड सन, तो मैन का अपोजिट वुमेन और सन का अपोजिट डॉटर। वंस दे आर लिव्ड अ वुमेन एंड हर डॉटर। सेकंड इज अ टाइगर रन्स फास्ट, तो हमें इसमें फास्ट का अपोजिट बताना है। द क्रोकोडाइल रन्स स्लो। थर्ड इज ही इज़ वेरी हैप्पी, इसमें हैप्पी पर अंडरलाइन है तो हमें हैप्पी का अपोजिट बताना है। तो ही इज़ वेरी सैड। हर यूनिफॉर्म इज़ वेरी क्लीन, उसकी यूनिफॉर्म बहुत क्लीन है, क्लीन पर अंडरलाइन है तो हमें इसका अपोजिट बताना है। हिज यूनिफॉर्म इज़ वेरी डर्टी। देयर इज अ बिग शॉप आउटसाइड द होटल, बिग पर अंडरलाइन है, आउटसाइड पर अंडरलाइन है तो हमें इन दोनों के अपोजिट बताना है। देयर इज अ स्मॉल शॉप इनसाइड द होटल, ओके? नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फाइंड फाइव डिफरेंसेस इन द टू पिक्चर्स, इन टू पिक्चर्स में फाइव डिफरेंस ढूंढना है ए एंड बी पिक्चर।
एंड फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, एक आपको दिया हुआ है। फर्स्ट पिक्चर, पिक्चर ए में सन दिखाई दे रहा है, सेकंड पिक्चर में वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों देखिए इसमें और क्या डिफरेंस है। पिक्चर ए में बॉयज़ हैं और पिक्चर बी में क्या है, गर्ल्स। और क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, देखिए और बताइए। पिक्चर ए में डक दी हुई है और पिक्चर बी में डक्स हैं, टू डक्स। और डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, यस पिक्चर ए में मैन है और पिक्चर बी में वुमैन। फिफ्थ में, फिफ्थ डिफरेंस बताइए। पिक्चर ए में ट्री है और पिक्चर बी में ट्रीज हैं। तो बच्चों आपको भी अपनी नोटबुक में ये डिफरेंस लिखना है, और भी यदि डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं तो उनको भी राइट करना है। ओके ओके चिल्ड्रन, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बी हैप्पी एंड स्टे एट होम।